गाइज, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे बेस्ट यूट्यूबर एल्गोर है वो किस प्रकार अपने वीडियोस को एडिट करते हैं? गाइज, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक वीडियो को यहाँ पर मान लीजिए अपनी ऑडियंस को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर आपकी ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा बनाए रखती है, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे जब आपकी वीडियो का CTR बढ़ता है तो उसका ऑडियंस रिटेंशन होना भी ज़रूरी है। अगर आपकी वीडियो का अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन होता होगा तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो वायरल होने काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट ऑडियंस रिटेंशन कैसे आएगा? आपका बोलने का तरीका, आपका वीडियो एडिटिंग करने का तरीका, तो वही सब यहाँ पर आपके ऑडियंस को रोक कर रखती है। तो यहाँ पर गाइस एल्गोर ने भी यहाँ पर काफ़ी टाइम यहाँ पर जो अपने चैनल को स्टार्ट किया और यहाँ पर अभी के टाइम में 100K यहाँ पर जो क्रॉस कर चुका है, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो उनका वीडियो एडिट करने का तरीका है, वो काफ़ी अच्छा है, ये बात हम भी मानते हैं। तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं? तो सबसे बड़ी बात आती है, काफ़ी सारे लोग का यह मानना है कि वो यहाँ पर फिल्मोरा से एडिट करते हैं, काफ़ी सारे लोग का मानना है कैनवा से एडिट करते हैं, और काफ़ी सारा हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग टाइप्स देता है। अगर हम यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ले जाकर दिखाऊँ कि ऑल एल्गोर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाखों वीडियो बन जाएगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है मोबाइल से एडिट करके दिखा रहे हैं काइनमास्टर से, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है लैपटॉप से यहाँ पर एडिट करके दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दिखा रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज वगैरह कुछ यूज़ करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है? और कुछ लोग यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो लाइनिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो गाइज ये सब आप मान लीजिए, इन सब को अगर पता होता कि एल्गोर कैसे एडिट करता है तो ये लोग अपने चैनल के ऊपर वीडियो सेम नहीं बना लेते। हाँ ठीक है, हम कुछ ऐसा कर ट्राई कर सकते हैं कि वो एडिट कैसे करते हैं, कुछ ट्राई कर सकते हैं, बट हम सेम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है और हर बंदे के अंदर किसी न किसी चीज़ का अलग लेवल हटके होता है, तो सब के अंदर नहीं पाया जाता। ये जितने भी लोग, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो वीडियोस बनाई है वो सारी की सारी वीडियोस के अंदर जो ट्यूटोरियल आपको बताया गया है वो सब यहाँ पर किसी न किसी प्रोजेक्ट से लिया गया है। मैं आपको अगर एक वीडियो का प्रूफ दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो मैं अभी आपको एक वीडियो यहाँ पर चालू करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है सारे के सारे इफेक्ट होते हैं और उन सब का यूज़ करके प्रोजेक्ट के तहत आपको वीडियो दिखाया जाता है। मैं सभी नहीं करते, कुछ लोग एडिट कर लेते हैं, सभी का नहीं कहता, बट ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग यहाँ पर जो आपको केवल अपना प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा किस प्रकार क्या करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग जिस प्रकार इस वीडियो के अंदर जो आपने लेयर्स देखे हैं, जिस प्रकार यहाँ पर इफेक्ट यूज़ की गई, जिस प्रकार यहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो को एडिट करने के लिए जो यूज़ की गई है, उतनी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आज के टाइम में कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता, मैं क्या कोई भी नहीं करना चाहता। अगर आप देखोगे जितने बंदे जो यहाँ पर ट्यूटोरियल बता रहे हैं ना आपको, इन सब की अगर आप वीडियो जाकर देखोगे तो उनकी वीडियोज़ के अंदर कुछ इस प्रकार का कोई एडिट नहीं है। हाँ, मैं एक बंदा मानता हूँ, एक यूट्यूबर का एक ऐसा बंदा है जो एल्गोर की जो एडिटिंग है वो सेम यूज़ करता है, और जिसका नाम है MR लॉजिक, और जिनका चैनल भी यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। MR लॉजिक अगर आप नहीं देखा तो आप जानते होंगे, ठीक है, तो ये सारे यूज़ नहीं करते हैं। हाँ मान लीजिए आप एडिटर ट्यूटोरियल जान सकते हो, बट आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जो आपके अंदर ट्रिक रहेगी वही आपके काम आने वाली है, किसी दूसरे का कोई भी कंटेंट आप किस प्रकार काम नहीं करना वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो साउंड लाई गई हमारे लॉजिक, तो गाइस ये सब मान लीजिए आप किसी काम का नहीं आने वाला, ठीक है। जो आपका सीक्रेट है आप उस चीज़ पर एडिट करते हैं वही अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, आप एडिट का तरीका सुधार सकते हैं, आप किसी की कॉपी करके यहाँ पर आप कुछ नहीं पा सकते, ठीक है। तो गाइस मेरे को यही कहना था कि यहाँ पर आप किसी के ट्यूटोरियल के पीछे ना जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से एडिट कीजिए किसी वीडियोस को, तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप एक वीडियो देख के यहाँ पर जो एक दो वीडियो बना लेंगे तो अभी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपना एडिट का स्टाइल है वो अपना ही रखें, या फिर थोड़ा हटके आप कर सकते हैं। आप एल्गोर से थोड़ा हटके करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ना कि एल्गोर की वीडियो एडिटिंग कॉपी करने से। जैसे बहुत सारे चैनल है जो कॉपी करता है, कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप अपना खुद का सीक्रेट रखोगे तो ही अच्छा रहेगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें,
और अगर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।